यशोधरा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि परिसर में एक व्यक्ति लोहे के धारदार चाकू के साथ देखा गया है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी को चाकू के साथ धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम शेख अरशद उर्फ भरैया वल शेख 70 है। आरोपी के खिलाफ RMM एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत धारदार हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि राजीव गांधी परिसर में एक व्यक्ति धारदार चाकू के साथ घूम रहा है। पुलिस की DB स्क्वाड ने गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए शेख अरशद उर्फ भुरिया वल शेख 70 को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें ऐसा है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक राजीव गांधी नगर जो है वहाँ पर एक सस्पेक्ट जिसके पास डेंजरस वेपन है और वो लेके घूम रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन की हमने रेकी किया। रेकी करने के बाद में हमने हमारा DB का स्क्वाड वहाँ पर भेजा, जिससे वो एक पर्सन जो मिला सस्पेक्टेड उसको हमने ताबे में लिया। उसका नाम शेख अरशद भुरिया शेख 70 ऐसा है। उसके ऊपर पहले के भी 2 गुने दाखिल है। उसको हमने विथ वेपन पकड़ा है। उसके ऊपर 425 आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उसको अरेस्ट करके हमने अभी कोर्ट में भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।